वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बता दीजिए, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आ गया हूं उत्कर्ष श्रीवास्तव, आ गया हूं। एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? जल्दी से बता दो, आवाज सभी लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? जल्दी बताओ। मुस्कान जी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना? वो व्हाट्सएप पे हमने पहले भेज दिया था, टेलीग्राम पे भी हमने पहले भेज दिया था, उसके बाद क्लास स्टार्ट करिए, ठीक है? तो अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग आ जाओ। जो नहीं आए हैं शेयर कर दो फटाफट से व्हाट्सएप स्टेटस पे, टेलीग्राम ग्रुप्स में, जगह जगह पर, जहां जहां पे आपकी रीच है। ओके, चलिए, वेलकम टू लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। मेरा नाम है शुभम और मैं आपका रीजनिंग मेंटोर। एंड अनअकैडमी का एक अपडेट आया था आज से एक हफ्ता पहले, अगर वो अपडेट नहीं किया है आपने, मतलब अनअकैडमी एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया तो कर लीजिए, और इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल भी कर लीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं आपको अवेलेबल मिल जाऊंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते होंगे, ठीक है ना? ये रहा आपका टेलीग्राम एप्लीकेशन, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है? सब्सक्रिप्शन प्लान्स कुछ इस तरह से हैं, और गर्ग कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन तो ले ही सकते हैं, और अगर आपको फ्री क्लास अनलॉक करनी है, फ्री क्लास अगर अनलॉक करनी है कहां पे, अनअकैडमी पे, अगर फ्री क्लास को अनलॉक करना है तब भी ये कोड का इस्तेमाल करिए, वो क्लास अनलॉक हो जाएगी, ठीक है? SBI PO Express चला रहा हूं डेली सुबह 9:15 बजे, डेली मॉक होता है रीजनिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट, आना जरूर, ठीक है? अच्छा, कल का ये मॉक का हमारा पास सामने दिखाई दे रहा है, कुछ भी इसको कह सकते हैं, इंटरफेस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो 11 तारीख 9:15 बजे SBI PO Express इस इंसान के थ्रू रीजनिंग का मॉक होगा, ठीक है? तो भैया क्या करना है, इस फ्री क्लास को अच्छे से शेयर करना है और लाइव वॉच कर लेना है, ठीक है? अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे होगा 9:15 बजे, क्लियर बात? चलो, अच्छा एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस टाइम को अभी मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना? इस हफ्ते तो यही चलेगा, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स ये टाइम चेंज हो जाएगा, ये टाइम मैं इवनिंग का या फिर नाइट का कर दूंगा, या तो इवनिंग का या फिर नाइट का, आफ्टरनून या मॉर्निंग का नहीं रहेगा ये टाइम या तो इवनिंग का हो जाएगा या फिर नाइट का हो जाएगा, या तो डिनर से पहले का या डिनर के बाद का, वो देखा जाएगा एज पर द फिजिबिलिटी, हम कर लेंगे टाइम की, जिस तरह से मतलब हम टाइम का एडजस्टमेंट कर पाएंगे कर लेंगे, ठीक है? साई कह रहे हैं आई एम न्यू टू योर क्लास, वेलकम साई, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पे हमसे एक बार कॉन्टैक्ट भी करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है रीजनिंग में तो एक नाम याद आना चाहिए मेरा, और कॉन्टैक्ट कर लेना, सारे प्रॉब्लम डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? प्रकाश चौधरी जी, गुड इवनिंग का, अरे सर टाइम सेट हो गया था यार, मानता हूं उत्कर्ष टाइम सेट हो गया था, बट बहुत सारे बच्चों का मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आया कि सर मॉर्निंग का मत रखिए, और भी क्लासेस होती हैं, उनका ये कहना है, प्लस उनका ये कहना है कि सर स्कूल कॉलेजेस की भी क्लासेस होती हैं, प्लस उनका ये कहना है कि हम उठ नहीं पाते हैं, आलसी हैं, तो सारी चीजों को देखते हुए ये हुआ कि यार इवनिंग या फिर नाइट का रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुबह आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा, एक और चीज बता दे रहा हूं, जो ये अभी क्लास हो रही है, ये मैं चीज बताने वाला नहीं था, ये जो अभी क्लास हो रही है, कौन सी 10:15 पे, कौन सी क्लास, पजल की, इसको मैं 9:15 बजे मॉर्निंग पे कन्वर्ट करने वाला हूं, ठीक है ना? ये स्लॉट फ्री करूंगा तभी मैं यहां पे कुछ एडजस्ट कर पाऊंगा। तो ये जो स्लॉट है 9:15 वाला पजल्स का, ये मॉर्निंग में शिफ्ट होगा 9:15 बजे इसी चैनल पे, ठीक है? तो आपका शेड्यूल नहीं बिगड़ेगा, आपका सुबह का टाइम का शेड्यूल बना हुआ है ना, तो वो बना रहेगा, लेकिन उस टाइम पे आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे ना जाके यूट्यूब पे आओगे लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे, ठीक है? चलो,
कार्तिक जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब देखो यार बातचीत हो गई बहुत ज्यादा, अपन चलते हैं क्वेश्चन पे फटाफट से, ठीक है। अभी तक का ये शेड्यूल है, हो सकता है ये स्वैप हो जाए, हो सकता है ये स्वैप हो जाए, या फिर ये तो डेफिनेटली जाएगा इस वाले टाइम पे, ये वाला टाइम तो डेफिनेटली ये वाले टाइम पे जाएगा। इस टाइम पे थोड़ा सा अभी डिलेमा है कि ये 10:15 रहेगा या फिर इससे पहले हो जाएगा या इसके बाद हो जाएगा, वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन परेशान ना होना, आपकी सहूलियत के हिसाब से सब कुछ करूंगा। प्रकाश चौधरी जी, आप नींद की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूं। ये लड़का जो है ये 5 बजे उठ जाता है और कह रहा नींद नहीं खुलती है, बस इससे बातें करवा लो। 5 बजे उठ जाता है और कह रहा नींद नहीं खुलती है। चलिए भाई, डे 7 है और डे 7 पे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आज मॉक में कराया था, लेकिन काफी बच्चों का कहना था सर हमसे हुआ नहीं, तो मैंने कहा चलो इसका एक बार वीडियो लेक्चर में सोल्यूशन दे देते, तो इसका सोल्यूशन आज ले लेंगे। 12 लोग हैं, सर्कुलर सिटिंग है, 3 मिनट का टाइमर, जल्दी शुरू हो जाओ। प्रकाश चौधरी, तुम कहां से नए हो गए मेरी क्लास में ये बताओ। हाँ, मंजीत हेलो डियर, क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। पजल की सीरीज चल रही है, धाकड़ तरीके से पजल करेंगे। इससे पहले मेरे बहुत सारे सेशंस हेलो रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे हुए थे, जो कि अन अकेडमी का ही चैनल है, वहां पे भी हमने लगभग 125 पजल करी है, 175 पजल्स लगभग, उससे ज्यादा ही होंगी, ठीक है। नए नहीं हो चौधरी जी, नए नहीं हो आप, चलो छोड़ो। किसी को भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना हो अनअकैडमी का, एक बार लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाओ, वहां पे मैं भी मिल जाऊंगा आपको, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो और परचेज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन, प्लस कुछ अगर डिस्काउंट से रिलेटेड बातचीत करनी हो तो आप बात कर सकते हो, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जल्दी से आंसर बताओ। आंसर करिए फटाफट से। टाइम हो गया है खत्म, आंसर दिन नजर नहीं आ रहा मेरे को अभी तक, क्या समस्या आ गई भैया, काहे आंसर नहीं आ रहा। सुबह भी ये क्वेश्चन कराया था, उसके बाद भी लोगों ने ट्राई नहीं किया मुझे लग रहा है, क्योंकि आधे तो वही बच्चे हैं जो सुबह आए थे।
रागनी का आंसर आया है। रागनी ऑलमोस्ट सही है, बट थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा है। उसके बेसिस पे आप 5 में से हो सकता है एक क्वेश्चन गलत कर दो, हो सकता है एक या फिर दो क्वेश्चन गलत कर दो, पॉसिबिलिटी है ये, क्योंकि आपने सी और ई में पॉसिबिलिटी बनाई है। सिर्फ सी और ई में पॉसिबिलिटी नहीं है, दो और ऐसे पर्सन हैं जिनकी पॉसिबिलिटी बनेगी, दो और ऐसे पर्सन हैं जिनकी पॉसिबिलिटी बनेगी। चलो एक सर्किल ले लेते हैं बड़ा सा, बढ़िया सा, और अब क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। 12 मेंबर्स हैं तो पहले तो 12 लोगों की सिटिंग तैयार करो, ठीक है। चार, छः, आठ, 10, 12, ठीक है। राहुल जी अभी गुड नाइट कहाँ से, अभी तो क्लास शुरू हुई है। गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग, और जब जाएंगे तब करेंगे गुड नाइट, ठीक है। डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो देखो भाई एच के इमीडिएट राइट में डी है। सी एंड ई हैव 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, तो सी और ई के बीच में 2 पर्सन है। ए एंड जे आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो ए और जे ऑपोजिट टू ईच अदर है। जी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जे, तो जे के सेकेंड राइट में जी है। एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो जे के लेफ्ट में एफ है थर्ड नंबर पे। आई इज सिटिंग 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम जे, तो देखो यार जे से आई 3 प्लेसेस अवे है। तो कल भी मैंने इस वाले सेंस में बताया था कि इस टाइप का अगर कहीं भी लाइन लगा हो तो 3 प्लेसेस अवे है, मतलब कि उन दोनों के बीच में सिर्फ 2 लोगों का गैप रहेगा। अब देखो दोस्त, अगर जे के राइट सॉरी लेफ्ट साइड में, अगर जे के लेफ्ट साइड में एफ है सेकंड नंबर पे, मतलब 2 छोड़ के, तो जे के लेफ्ट साइड में तो आई नहीं होगा ना, ये तो राइट साइड में ही होगा, ये तो अंडरस्टूड हो गया, ठीक। अब देखो तो ये राइट साइड में है, आगे देखते हैं। एच इज सिटिंग नेक्स्ट टू एफ, तो एफ और एच पड़ोसी हैं। के इज सिटिंग ऑपोजिट टू द पर्सन हु इज सिटिंग बिसाइड एल, मतलब एल के किसी पड़ोसी के सामने कौन है, के है, ठीक है। चलो भाई तो अब शुरुआत कहां से करें, शुरुआत करने के लिए जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो है जे। जे को पकड़िए, उसके लेफ्ट साइड में एफ को बिठाल दीजिए और राइट साइड में आई को बिठाल दीजिए 2-2 के गैप पे, ठीक है। अच्छा एफ और एच पड़ोसी हैं, अगर मैंने एच को यहां रखा तो एच के राइट में डी आ पाएगा क्या तुरंत, नहीं आ पाएगा ना, इसलिए फाइनलाइज हुआ क्या कि एच यहां पे आएगा और इसके राइट में एक तुरंत डी आ जाएगा, ठीक। ओके अच्छा जे के राइट साइड में एक छोड़ के जी है, तो जी यहां पे आ गया, डन, ठीक है। अच्छा ए और जे आमने सामने है तो ए यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ओके डन। चलिए इतनी कहानी तो हो गई। हाँ एफ थर्ड लेफ्ट टू जे है ना यार, तो जे के थर्ड लेफ्ट वही तो बनाया है एफ को, क्या प्रॉब्लम आ रही है, 1 2 3, ठीक है। थर्ड लेफ्ट ही तो है जे के, मुझे कंफ्यूज कर रहा हूं मैं, 3 बार चेक किया तुम्हारा कि तुमने लिखा क्या, मैंने क्या किया है, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है, सही तो किया यार, कौन सी कंफ्यूज करते, 3 बार चेक किया मैंने कि तुमने जो लिखा मैंने जो किया सही किया है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अब देखो सी और ई में 2 का गैप है और एल का एक पड़ोसी जो भी है उसके सामने के है, तो एल और उसका पड़ोसी इन दोनों जगहों पर नहीं हो सकता। पूछो क्यों, क्योंकि अगर एल यहां पे या फिर यहां पे हुआ तो इन दोनों के सामने वाली प्लेसेस खाली नहीं है के लिए, के आएगा ना सामने, तो एल इन दोनों जगहों पे नहीं होगा, इन दोनों जगहों में से कहीं पे भी हो सकता है।
अगर एल को यहां रखा तो इसके पड़ोसी के सामने के पॉसिबल है, ठीक है। अगर एल को यहां रखा तो इसके पड़ोसी के सामने के पॉसिबल नहीं है। तो फाइनलाइज क्या हुआ कि एल को यहां रख सकते हैं और के को यहां रख सकते हैं, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एल को यहां नहीं रख सकता? बताओ भाई, क्या एल को जी के पड़ोस में नहीं रखा जा सकता? रागनी आपसे पूछ रहा हूं, रखा जा सकता है ना। तो देखो भाई, अगर मैंने एल को यहां रखा तो जी मतलब एल का जो पड़ोसी है उसके सामने कौन आएगा? के आएगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि एल और के में भी पॉसिबिलिटी रहेगी, अगर एल यहां पे तो के यहां पे, और अगर एल यहां पे तो के यहां पे, एल और के में पॉसिबिलिटी रहेगी। अब बात करते हैं सी और ई की, तो सी और ई में भी पॉसिबिलिटी रहेगी, वो रहेगी यहां पे, और बचा हुआ बी यहां आ जाएगा। ये कंप्लीट डायग्राम है, क्लियर हो गया? बता दो जरा जल्दी से मुझे, बता दो क्या इसका सोल्यूशन क्लियर हो गया? एल और एल और के में पॉसिबिलिटी है, सी और ई में पॉसिबिलिटी है, बाकी सारी चीजें डेफिनेटली अपनी जगह पर सही सही रखी है। बता दो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी अभी तक के सोल्यूशन में हो तो बताओ, वरना फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो विजय, क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस गिवन थे उसके बेसिस पे जो एक जनरल डायग्राम बना है वो ये है, इसी के बेसिस पे आपको इसके 5 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। जो फाइनल सोल्यूशन है वो यही है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बी के, फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक ले रहा हूं कि क्वेश्चन आपसे पूछा है सेकेंड राइट ऑफ बी, तो बी के सेकेंड राइट में आप फाइनल नहीं कर सकते कि वो सी है कि ई है। अगर आपसे ऑप्शन में बोल दिया जाए, ऑप्शन में बोल दिया जाए सी, सेकेंड में बोल दिया जाए ए, थर्ड में बोल दिया जाए ई, चौथे में बोल दिया जाए एफ, और पांचवे में बोल दिया जाए सी एंड डी। दिख नहीं रहे होंगे ऑप्शंस में, साइड नहीं दिख रहे हैं, तो सी एंड डी, तो आंसर हो जाएगा इसका सी एंड डी, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं पता लगा सकते कि वो सी है कि ई है, कौन बी के सेकंड राइट में। तो जो सोल्यूशन आएगा वो यही आएगा, इसके बेसिस पे आपको आंसर्स करने होते हैं, वो आंसर्स अकॉर्डिंगली आपके डायग्राम के होते हैं। ठीक है, के और एल की पॉसिबिलिटी बहुत सारे लोगों ने नजरअंदाज कर दी होगी, इसीलिए गलत हुआ। चलो भाई 27th क्वेश्चन, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 3 मिनट ज्यादा है इसके लिए, 1.5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, फटाफट से निपटा दो। और जितने भी लोग इस टाइम पे इस सेशन को देख रहे हैं, चाहे वो लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड देख रहे हो, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यार सुबह SBI PO एक्सप्रेस करा रहा हूँ अभी 9:15 बजे, उसका टाइम मैं अगले हफ्ते मंडे से चेंज करूंगा, बट अभी इस वीक में 9:15 बजे सुबह ही चल रहा है। तो आपने क्या करना है, सुबह 9:15 बजे आना जरूर है, ठीक है ना। और दूसरी बात, किसी को भी अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रकाश चौधरी जी कह रहे हैं इतने क्वेश्चन बनाते हैं थकते नहीं। आप लोगों के लिए यार इतना कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, आप लोगों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। थकान नहीं होती यार, उसकी चिंता ना करो, आप बस क्वेश्चन सॉल्व करो, आप लोग क्वेश्चन करते करते सॉल्व करते करते मत थकना, बस हमारी चिंता ना करो, हम रिवाइटल पे जीतते हैं, ठीक है।
उत्कर्ष का आंसर अधूरा अधूरा आया है, लेकिन आया है। जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं ना यार, एक रिक्वेस्ट है सबसे, ये रिक्वेस्ट है, ये बोल नहीं रहा मैं, ये रिक्वेस्ट है कि लिंक को, सेशन के लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दिया करो और कहीं शेयर मत करो। मैं कह रहा हूं अगर कहीं करना चाहते हो और कर लो, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं और कहीं शेयर मत करो, सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दो इस लिंक को, दैट्स इट। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सब उस स्टेटस को देख सकते होंगे, दैट इज इनफ। ठीक है, उत्कर्ष गुप्ता, निकिता जायसवाल एंड रागिनी श्रीवास्तव, सबका आंसर आ गया है। अपन चलते हैं सोल्यूशन पे, और सोल्यूशन के लिए स्टेबल की जरूरत पड़ेगी। पांच लोग हैं, अलग अलग डिसिप्लिन में उन्होंने क्या किया है, स्टडी करी है या फिर उसके स्टूडेंट हैं। ठीक है, अच्छा क्या लिखा है, बिल्डिंग फाइव फ्लोर, ठीक है, ओके ग्रेट। चलो तो एम इज अ मेडिकल स्टूडेंट and does not live on the floor number of 1, 4 and 5। तो कहां रहता होगा एम? एम या तो तीसरे पे रहेगा या फिर दूसरे पे रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एन इज द स्टूडेंट नीदर ऑफ इंजीनियरिंग और मेडिकल। तो एन किसका स्टूडेंट नहीं है, इंजीनियरिंग का नहीं है या फिर मार्केटिंग का भी नहीं है। पी हु इज अ डिजाइनिंग स्टूडेंट स्टे ऑन द फ्लोर नंबर 2। तो पी आ जाएगा यहां पे, एक मिनट, पी आ जाएगा यहां पे, डिजाइनिंग स्टूडेंट है। अच्छा, अगर पी यहां पे आ गया तो एम बचा हुआ कहां आएगा, एम यहीं पे आएगा ना, विद द मेडिकल डिग्री। ठीक है, राइटिंग में मत जाना, भावनाओं को समझ लेना, थोड़ा बहुत समझ लोगे कि हाँ क्या लिखा है। आगे क्या लिखा है ये समझो, नीदर लॉ स्टूडेंट नॉर अ मार्केटिंग स्टूडेंट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। तो लॉ और मार्केटिंग यहां नहीं रहता है। अच्छा, अगर लॉ और मार्केटिंग नहीं रहता है तो क्या रहेगा फिर, डिजाइनिंग नहीं रहेगा, ऑलरेडी हो चुका है, इंजीनियरिंग ही तो रहेगा ना, क्योंकि वही बचा है, तो इंजीनियरिंग यहां आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ओके, एंड नीदर एन नॉर क्यू लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 4। एन और क्यू यहां नहीं रहते हैं, तो यहां पर कौन रहेगा दोस्त, एन और क्यू नहीं है तो बचा हुआ ओ ही तो रहेगा, है ना। अच्छा, इंजीनियरिंग यहां पे ऑलरेडी आ चुका है और एन इंजीनियरिंग है नहीं, तो एन यहां पे रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे, तो एन को कहां रखना पड़ेगा, एन को यहां रखना पड़ेगा, और कौन बचा, क्यू बचा ना, तो क्यू को यहां रख देंगे। अब बात करते हैं भाई, मार्केटिंग जो है वो एन नहीं है ना, तो मार्केटिंग यहां आ जाएगा, और इसके बाद यहां पे कौन बचा है, लॉ, लॉ यहां पे आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं श्रीवास्तव जी, जल्दबाजी का काम शैतान का, और आप अच्छे बच्चे हैं। चलिए तो 28th क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 मिनट का टाइमर, ये भी बहुत आसान सा है, बट आपके, एक बात बता दे रहा हूं, आपके 12 और 13 तारीख के एग्जाम में लाने आने लायक एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, देखने में बड़ा, देखने में कठिन, लेकिन बहुत ही आसान। करो, अरे अश्विनी कर दिया ना ब्लंडर, वो नॉट का ही तो खेल है, डज नॉट सिट या लिव ऑन फर्स्ट 3 और 4 पे लिखा था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है।
चौधरी जी बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी। ठीक है कर लेंगे। पंद्रह तारीख को कुछ होने वाला है, ठीक है। पंद्रह तारीख को सभी लोगों के लिए मैं और जो मेरे साथी हैं हम दोनों कुछ करने वाले हैं, उन सब के बारे में हम टेलीग्राम पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो 15 तारीख को कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, वो बूस्टअप, हाँ जो आप कह रहे हो ना बूस्टअप मिलेगा, बिल्कुल बूस्टअप मिलेगा 15th of December, ठीक है, ट्यूसडे को। चलिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं चौधरी जी, संजय सर और मैं दोनों मिलके कुछ करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रभास, उत्कर्ष गुप्ता, उत्कर्ष श्रीवास्तव, निकिता, इन चार का डन हो गया है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे जो नाम लिखे हैं बड़े ही अजीब हैं, ठीक है ना, इससे अजीब अभी आने वाले हैं, इससे और अजीब नाम अभी आने वाले हैं, बड़े ही खतरनाक नाम है, नाम प्रोनाउंस करते हुए आपको हंसी आएगी। रमन करण शरण, वरुण अमन सुमन, नहीं सुमेन, सुमन यमन, ठीक है, चमन नहीं है, चलो। तो 8 लोगों की सिटिंग तैयार कर लो पहले, ठीक है, पेन का कलर रेड, ठीक है। देखो क्या लिखा है, शैरन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रमन हु इज वेयरिंग एलन सोली, रमन एलन और इसके लेफ्ट में शरण है। सुमेन सिट्स सिक्स्थ टू द राइट ऑफ शरण, तो सुमेन यहां आ जाएगा। हु इज वेयरिंग हुगो बॉस, तो हुगो हुगो बॉस यहां आ गया, एलन सोली यहां आ गया, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, सुमेन इज वेयरिंग एडिडास, सुमन सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुमेन, तो सुमेन के फोर्थ लेफ्ट में सुमन है, तो सुमन यहां आ जाएगी। एंड वेयरिंग लेवाइस, तो लेवाइस, the one who is wearing Tommy Hilfiger is sixth to the left of Alan Soli, so Alan Soli ke sixth left mein Tommy Hilfiger hai, neither Karan nor Aman is wearing shirt of Tommy, theek hai, Varun is wearing shirt of Nike and sits immediate left of Suman इमीडिएट हाँ ठीक है, वरुण इज वेयरिंग नाइकी एंड सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुमन, ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ किया गया मैंने,
यार सुमन के तो इमीडिएट लेफ्ट में हो ही सकता, कुछ गड़बड़ किया है क्या? अरे यार रुको, कुछ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे आएगा कैरन, और यहाँ पे क्या था, हुगो, बॉस, ठीक है। वो तो ठीक है, वो तो मैंने पढ़ लिया था वरुण, तभी तो यहाँ पे वरुण आ नहीं पा रहा था ना, अब आ गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, सही है सही है सही है सही है सही है सही है, सही है। करण सिट्स बिटवीन यमन एंड रमन, तो करण यहाँ आ जाएगा, नहीं सॉरी, करण सिट्स बिटवीन यमन, तो यमन यहाँ आ जाएगा और करण यहाँ आ जाएगा, एंड इज वेयरिंग वर्साचे, तो करण इज वेयरिंग वर्साचे, ठीक है, और अमन यहाँ आ जाएगा पोलो ब्रांड के साथ, ये आपका तैयार हो गया, ठीक है ना। वो एक्चुअली मैंने थर्ड लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट ले लिया था, ठीक, गॉट इट। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा बट आसान है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा बट आसान है। पीओ लेवल एसबीआई पीओ के लिए परफेक्ट है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जो आपके लास्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में है, उसके लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। 3 मिनट टाइमर शुरू। बिल्कुल आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन को, मतलब आसान क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाना होता है ना, तो वो सेम लेटर से और सेम प्रोनाउंस होने वाले नाम लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे लिख देंगे अंकिता, अंकित, ठीक है, और क्या ले सकते हैं, सुमित, सुमिता, और क्या ले सकते हैं, मतलब इसी टाइप से जो राइमिंग होते हैं, ठीक है ना, जिनके जिस जिस नाम के हिंदी और सॉरी जिस नाम के फीमेल और मेल वर्जन बन जाते हैं, वैसे नाम लिए जाते हैं। जैसे तुम्हारा ही नाम है अश्वनी, तो WANI है ना, और एक नाम होता है अश्विनी, WINI, तो वो रख देंगे एक अश्वनी और एक अश्विनी, और जब आप पढ़ोगे तो बड़ा कंफ्यूज होगे कौन से बारे किसके किस नाम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये कंफ्यूज आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए नाम में खेल जाते हैं वो लोग।
आंसर करिए भैया, कैसा सन्नाटा पड़ा हुआ है? भाई देखो, सात लोग हैं, ठीक है, और कमाल की बात क्या है, सभी लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है, और सबकी एक अलग अलग एज है, ठीक, ओके। तो अब क्या करना है, हमने हमने कर लेना है इनको शुरू, ठीक। पॉसिबिलिटी का डायग्राम ले लेते हैं, चलो बफर नहीं हो रहा होगा यार, मेरा तो सही चल रहा है, बफर हो रहा है क्या? क्योंकि मेरा एकदम सही चल रहा है, अभी ठीक हुआ क्या? अभी ठीक हो गया ना, ऑल ओके है, ठीक। चलो तो अब क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। द एज डिफरेंस बिटवीन द नेबर्स ऑफ यू इज 9। तो यू के जो दो नेबर्स हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? सही चल रहा है ना सब कुछ? ठीक है, ठीक, डन। हाँ, तो यू और यू के जो दोनों पड़ोसी हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 है। अब बात समझना, 9 का डिफरेंस कहां कहां पे मिल सकता है? देखो, 9 का डिफरेंस अगर मैं इस 9 में 9 ऐड करूं तो क्या 18 गिवन है? बिल्कुल यार, 18 गिवन है। तो एक जो पेयर है वो 9 और 18 का है, और 9 का डिफरेंस किस में है? 11 + 9 = 20। क्या 20 है? बिल्कुल है। तो 11 और 20, ये दो पेयर मिल सकते हैं, इसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 20 है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो आप 16 में अगर 9 ऐड करोगे तो आएगा 25, वो 25 गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमें दो पेयर मिल गए विद द डिफरेंस ऑफ 9, क्लियर। तो यू के दोनों नेबर्स का जो एज हो सकता है वो या तो 9-18 हो सकता है या फिर 11-20 हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। द यंगेस्ट वन सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ओके। तो पहले तो 7 लोगों की सिटिंग तैयार करो, 3, 4, 3, यहां पे भी 3, 1, 3, ठीक है। आगे देखते हैं। वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन ऑफ द वन हु इज 17 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर of the one who is 17 year old. V जो है वो 17 का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, okay. And V is elder than S and Q. तो V जो है वो S और Q से elder है, but not the eldest. ठीक है ना? मतलब V क्या है? V 20 नहीं है, V eldest नहीं है, मतलब V 20 नहीं है। V minimum क्या हो सकता है? 19 हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, और 16 भी हो सकता है। तो V की ये 4 परिभाषाएं हैं, इसके अलावा V कुछ नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, Q sits 4 to the left of V. तो V के लेफ्ट साइड में Q है 4th नंबर पे। लेफ्ट साइड मैंने ये क्यों बनाई? क्योंकि साउथ फेसिंग कर रहे हैं। मुस्कान जी यार, अभी
इमेज सही चल रही है, उस टाइम पे स्टक हुई थी मानता हूं, बट अभी सही चल रही है। आप हो सकता है पीछे हो इसीलिए वो अभी तक आपको दिखा रहा हो, तो रिफ्रेश कर लो एक बार, ठीक है। चलिए तो कहां पे थे हम, P is between R and S, तो P जो है वो R और S के बीच में है। R is older than only Q and T, तो Q और T, sorry U and T, तो U और T से older है R, बाकी सबसे छोटा है। तो R की एज क्या हो गई, देखो दोस्त R सिर्फ U और T से छोटा है, सॉरी बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है, तो U की R की एज क्या हो गई 16 हो गई, ये फाइनल हो गया। और U और T की एज क्या हो जाएगी 9 और 11 में से कुछ एक, ठीक है ना। U और T की जो एज होगी वो 9 और 11 में से कोई भी हो सकती है, U की 9 हो सकती है तो T की 11, और T की 9 हो सकती है तो U की 11, ठीक है। चलो अब देखते हैं भाई, देखो एक बात समझना, लिखा क्या है, द यंगेस्ट वन सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और 9 इज द यंगेस्ट वन, है ना। तो 9 यू नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यू कभी भी कॉर्नर पे नहीं आएगा। क्यों कॉर्नर पे नहीं आएगा, क्योंकि यू के दो नेबर्स हैं, यू के दो नेबर्स हैं। तो अगर यू को मैंने कॉर्नर पर रख दिया तो उसके दो नेबर नहीं बचेंगे। तो फाइनलाइज क्या हुआ कि टी इज इक्वल्स टू 9, तो यहां पे टी रखो और 9 रख दो, इसके पड़ोस में यू रख दो, ठीक है, ओके। क्योंकि यू की एज क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, यहां पे रख दो एक बार टी 9 और U यहां रख दो 11, यही एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमें इन में पेयर कौन सा उठाना है, 9 के डिफरेंस वाला, वो 9 और 18 उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 यहां पे आ गया तो 18 यहां पे आ जाएगा, कोई भी पर्सन हो सकता है यहां पे, और 18 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, V के इस साइड में 3 छोड़ के Q है, तो V और Q ऐसे ही आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। V और Q ऐसे ही आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। R, P और S लाइन से हैं, अब ऐसा भी हो सकता है ना, S, P, R, ये भी तो हो सकता है, लेकिन बीच में P रहेगा, ये फाइनल है ना, तो P को यहां रखो, इस वाले केस में P को यहां रखो, ठीक। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। अब देखो भाई, V का नेबर 17 नहीं है, V का नेबर 17 नहीं है, ठीक है। तो 17 यहां पे नहीं आएगा, 17 यहां पे नहीं आएगा, ठीक है, दिमाग में रखना ये बात। आगे देखते हैं, देखो भाई इस लाइन को उठाओ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है कि V जो है वो S और Q से बड़ा है, V S और Q से बड़ा है, ठीक है। मेरे पास एज कौन कौन सी बची है, R 16 अभी बची है, ठीक है, मेरे पास एज कौन कौन सी बची, ये देखो R 16 फाइनलाइज हो गई है, इसके बाद एज कौन कौन सी बची है, अभी 17 फाइनलाइज नहीं हुई है, ओके, और 9 हो गई है, 11 हो गई है, 16 हो गई है, 17 नहीं हुई है, 18 हो गई है, 19 नहीं हुई है, और 20 नहीं हुई, ये तीन एज अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, ठीक है, ओके। V की एज फाइनलाइज हो गई है, V क्या है, V 18 है, V इज 18 और S और Q से बड़ा है, क्या लिखा है, V इज नॉट, नहीं क्या लिखा है, V is elder than S and Q but not the eldest. तो V क्या है हमारा 18 है इस वाले केस में, नहीं V 18 यहाँ पे थोड़ी रखी है, यहाँ पे तो V की अभी एज फाइनल नहीं हुई है, ठीक है। अब समझो, अब एक बात समझना, अभी V की एज फाइनल नहीं हुई है, V को eldest बनाना है S और Q से,
ठीक है। इस वाले केस में देखो, पहले इस वाले केस में देखो, क्योंकि इस वाले केस में 18 वी का आ गया है, लेकिन इस वाले केस में वी 18 नहीं आया, मतलब वी की एज नहीं आई है। तो पहले इस वाले केस में देखो क्या यहां पे कुछ सेटिस्फाई हो पा रहा है। अगर मैंने वी को 18 जो बना दिया है, तो तो एस और क्यू 18 से कम होने चाहिए, एस और क्यू 18 से कम होने चाहिए, और 18 से कम मेरे पास सिर्फ एक ही एज है, तो ये या तो S की होगी या फिर Q की होगी, फिर भी एक इंसान बच जाएगा। S और Q की अभी एज फाइनल नहीं हुई है ना, S और Q की एज अभी फाइनल इस वाले केस में नहीं हुई है, ठीक है ना। तो S और Q दोनों की एज 18 से कम पॉसिबल नहीं है, ये केस कैंसिल, ठीक है। हाँ, V 19 होगा, वो बाद की बात है। अभी ऊपर वाले केस में देखो, V 18 हमने बनाया है, तो 18 के अकॉर्डिंग S और Q 18 से कम होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दूसरे वाले केस में आ जाओ, V की एज अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन V 20 नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है नॉट द एल्डेस्ट वन, तो V को 19 रख के देखो। अगर मैंने V को 19 रख दिया, तो Q की एज तो 18 हो चुकी है, और S की एज क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। तो यहां पे केस सेटिस्फाई हो रहा है कि V को 19 रखिए, R 16 हो गया, S को 17 रख दीजिए, V हो जाएगा 19, और बचा हुआ जो भी बचा है, P बचा है ना, तो P को 20 कर देंगे। V का पड़ोसी 17 नहीं है, तो S यहां पे नहीं आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा विद 16 और S आ जाएगा विद 17 यहां पे। और 20 आ जाएगा यहां पे। ये आपका डायग्राम बनेगा। समझ में आ गया, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया या नहीं आ गया बता दो। सभी लोग साउथ फेसिंग कर रहे हैं। ऊपर वाले केस में V 18 एज फाइनल हुई थी, उस 18 के अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन में सेट नहीं कर पा रहा था कि V इज एल्डर देन S एंड Q, क्योंकि मेरे पास S और Q के लिए कोई एज बच ही नहीं रही थी जो 18 से कम हो, इसीलिए ऊपर वाला केस कैंसिल करना पड़ा। दूसरे वाले केस में सब कुछ सही हो रहा था, इसलिए सही हो गया, ठीक है। चलिए 30th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, ज्यादा टफ नहीं है, बस पॉसिबिलिटीज पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, तो ध्यान से करना 3 मिनट। और जितने भी लोग अभी सेशन देख रहे हैं, एक फीडबैक फॉर्म मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेजा है, अपने वाले टेलीग्राम पर भी भेजा है, और लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर भी भेजा है वो फीडबैक फॉर्म। तो उस फीडबैक फॉर्म को भरें जरूर, ठीक है ना, 2 मिनट लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फीडबैक फॉर्म को भर दीजिएगा। श्रेयांश गुप्ता जी, हेलो डियर, और सेशन हमारा इस टाइम पे शुरू होता है 10:15 बजे। डेली पजल कराता हूँ, तो ट्राई करिए कि कल से टाइम से रहिएगा 10:15 बजे, पजल सीखते हैं। काफी अच्छे अच्छे लेवल की पजल कराता हूँ, बेसिक से कराता हूँ एकदम, मतलब आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो ना पजल के बारे में, तब भी मेरे बताए हुए क्वेश्चन, मेरा समझाया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे मैं भी आपको मिल जाऊंगा। और एक फीडबैक फॉर्म मैंने भेजा हुआ है, फिर से भेज दूंगा अभी, उसको भरिएगा जरूर, 2 मिनट का टाइम लगेगा फीडबैक फॉर्म, लेकिन भरना जरूर है, ठीक है। और ये जो नाम है, ये बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, ऐसे नाम मतलब ना सुने ना देखे, महेश ने बोला है सर V 18 कैसे, समझाता हूँ। महेश जी, अगर अभी आप ऑनलाइन हो तो एक रिप्लाई कर दो, तो मैं समझा दूंगा कि हाँ V 18 कैसे हुआ है।
महेश सजन, अगर आप ऑनलाइन हो तो रिप्लाई कर दो एक बार, मैं समझा दूंगा कि V18 कैसे हुआ, और नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब 10 लोगों की सेटिंग तैयार करते हैं, 5-5 लोग अलग अलग रो में बैठेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और नॉर्थ फेसिंग के लिए है RSTUV, और साउथ फेसिंग के लिए है FGHIJ। ठीक है, देखो भाई लिखा क्या है, तनु इज थर्ड सिटिंग, थर्ड लेफ्ट, थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस फो। तो तनु इस वाले केस में आएगी ना, नहीं इस वाले केस में आएगी, तनु सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस फो। तो देखो भाई, तनु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस फो, ये सिनेरियो बनेगा, ठीक है। ओनली टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन फो एंड इवा, ठीक है। तो एक बार देखो, फो को यहां ले लो, लेके चलते हैं, तो तीन छोड़ के तनु यहां पे आ जाएगी और इवान यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ चीजों को लेके चल रहे हैं, जैसा होगा देखा जाएगा, आगे चलते हैं। ओनली टू, ठीक है। द पर्सन हु फेसेस उरस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हनी, तो हनी कहां है, हनी साउथ फेसिंग है, तो हनी के इमीडिएट लेफ्ट में उरस है। ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन हनी एंड जॉन, तो हनी और जॉन के बीच में एक इंसान का गैप है, तो हनी और जॉन के बीच में एक इंसान का गैप यही हो सकता है, इसके अलावा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब देखो यार, हनी अगर यहां पे है, ये वाली लाइन को मैंने गलत लिख दिया, द पर्सन हु फेसेस उरस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हनी, तो यहां पे जो बंदा है इसके सामने उरस आएगा, ये है, ठीक है। तो अगर देखो यार, मैंने हनी को यहां रख दिया तो इसके इधर तो कोई नहीं है, और अगर हनी को यहां रख दिया तो इसके इधर जो ये बंदा है इसके सामने उरस होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए पता क्या चला हमें, फाइनलाइज क्या हुआ कि फो यहां नहीं आएगा, फो को यहां रखेंगे, दो छोड़ के ईवा आएगा और यहां पे आएगा तनु, और हनी और जॉन के लिए ये प्लेस बचेगी, ठीक है। अब हनी को एक बार यहां रखो तो इसके राइट में जो बंदा है, मतलब लेफ्ट में जो बंदा है उसके सामने उरस आ जाएगा, ठीक है, और जॉन यहां पे आ जाएगा।
तो बचा हुआ जो है गुस यहां पे रहेगा। द पर्सन हु फेसेस गुस मतलब कि ये पर्सन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ रवि, तो रवि के राइट में क्या बैठ पाएगा, ये नहीं बैठ पाएगा ना, इसलिए फाइनलाइज क्या हुआ, फाइनलाइज ये हुआ कि हनी को यहां रखना पड़ेगा और जॉन को यहां रखना पड़ेगा। अब हनी के इस साइड में उरस यहां पे आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है लेकिन समझ में आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा रवि। अब द वन हु फेसेस गुस, तो गुस को जो फेस कर रहा है मतलब उरस, ये राइट में है किसके, रवि के सेकंड राइट में, ठीक है। वापस आ जाओ। हनी डज नॉट फेस वानी, तो वानी यहां पे नहीं आएगी, वानी यहां आ जाएगा और सोम यहां पे आ जाएगा, ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। समझ में नहीं आया तो बता दो, फिर से समझा दूंगा, और आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से पूछ रहा हूं, समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो बता दो। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां मैं अवेलेबल मिल जाऊंगा आपको, प्लस एक फीडबैक फॉर्म दे रहा हूं उसको भरिएगा जरूर, सेशन के तुरंत बाद वहां पे एक फीडबैक फॉर्म डाला जाएगा उसको भरना जरूर, ठीक है। हाँ इजी था ना, इजी था, ज्यादा टफ नहीं था, बस हाँ पॉसिबिलिटीज थी बट इजी था। SBI PO Express इस पे जरूर बोर्ड करें, कल सुबह रीजनिंग का मॉक होगा, ध्यान से आइएगा जरूर, 11 तारीख सुबह 9:15 SBI PO Express, ओके। टेलीग्राम चैनल फिर से बता रहा हूँ, ज्वाइन जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहां पे मैं अभी एक फीडबैक फॉर्म दे रहा हूँ उसको भरिएगा जरूर, प्लस वहां पे लिंक भी आ जाते हैं मेरे वीडियोस के, उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं वहां पे डायरेक्टली, ठीक है। प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए यार, ये प्रोफाइल है, ठीक, फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हो आप। और ये है स्केड्यूल, 9:15 सुबह मॉक, 10:15 सुबह रात में लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। सब्सक्रिप्शन परचेज करना हो तो बैंक या फिर SSC या रेलवेज, कोई भी डोमेन XYZ कोई भी डोमेन का सब्सक्रिप्शन परचेज करना हो तो गर्ग कोड का इस्तेमाल करें, GARG, और गर्ग कोड का इस्तेमाल आप और भी जगह कर सकते हैं, कहाँ पे, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए आप गर्ग कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री में ये अनलॉक हो जाएगी। हाँ उत्कर्ष श्रीवास्तव, तुम्हारा फॉर्म मेरे पास आ चुका है, तुमने फॉर्म भरा है, आई नो दैट। चलो भाई, तो गर्ग कोड का इस्तेमाल करके आप फ्री क्लास भी अवेल कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन में भी बेनिफिट ले सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट या डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ बातचीत करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, वरना सेशन को एंड करेंगे। सेशन को एंड करेंगे अगर आपसे, अगर आपको कुछ भी पूछना नहीं है, कोई भी क्वेरी नहीं है, और अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी हूं। टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।